बहुत खुशी की बात है कि अनारकली गांव ग्वालदे पंचायत कोचाधामन ब्लॉक के मोहम्मद फराज बदर जो मुन्ना भाई हैं उनके साहबजादे हैं, इन्होंने 2020 के बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। इनको 92% मार्क्स इन्होंने हासिल किया है और आगे ये चाह रहे हैं कि मैं IITian बनूं। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, इनके गार्जियंस बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये निश्चित रूप से ये IITian बनेंगे, उससे आगे भी IAS IPS अगर ये चाहेंगे तो वो भी बन सकते हैं। शर्त है कि जो है मेहनत करनी होगी। जो इन्होंने एम बनाया है उसको हासिल करने के लिए ईमानदारी से 50% भी अगर ये मेहनत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत इनको जो इन्होंने सपना सजोया है उसको हकीकत में बदलने से रोक सकता है। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, उनका क्या कहना था, सपने वो नहीं हैं जो सोने में दिखते हैं, सपने वो हैं जो मुझे सोने नहीं देते हैं। तो इस बच्चे ने सपना देखा है कि मैं IITian बनूंगा, IIT कम्प्लीट करूंगा, तो निश्चित रूप से इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए इसको आपने रात के नींद को हराम करना पड़ेगा और निश्चित रूप से बनेंगे। दुनिया में ऐसा ही बहुत सारी मिसालें हैं कि बचपन में जिसने भी जो एक सपना देखा, एम ऑफ लाइफ कहा जाता है कि आदमी का जिंदगी बिना मकसद के, एम ऑफ लाइफ के, उस नाव के तरह है जिस नाव में पतवार नहीं है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा, जिस तरह से नाव बिना पतवार के वो कहीं भी भंवर में डूब जाएगा, ठीक उसी तरह आदमी की जिंदगी है कि उसका कोई मकसद नहीं होगा, एम ऑफ लाइफ नहीं होगा, तो उसकी भी जिंदगी कहीं भी गर्दिश में डूब जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना एक एम ऑफ लाइफ चुना है। ये हमारे कोचाधामन के लिए, जिले के लिए फख्र की बात है कि इस बार के मैट्रिक इम्तिहान में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और मेहनती हैं, लगनशील हैं, और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये हमारे अनारकली गांव ग्वालदे पंचायत कोचाधामन ब्लॉक किशनगंज जिले का नाम रोशन करेंगे। हम लोग आगे भी, अभी लॉकडाउन है, एक कार्यक्रम कर इनको हम लोग सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद फराज बाबू। बहुत आपको, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा स्कोर लाया है, बहुत अच्छा आपने पढ़ा लिखा है, एक छोटे से गांव से निकल करके आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, और भी बच्चे लाए हैं ठीक है, लेकिन आपने सबसे अच्छा किया है, इसका श्रेय किसको जाता है? आप कैसे पढ़े किया आपने? जी, हमने मेहनत की, जो हमारे जो शिक्षक खाते थे, जो होमवर्क देते थे वो हमने रात भर, मतलब होमवर्क जो जितना देते थे उसको हम कम्प्लीट करते थे और दूसरे दिन उसको सुबह चेक करवाते थे, और बाकी जो जिस तरह से उन्होंने हमारे शिक्षक उन्होंने कहा उसी तरह से हम करते गए और बाकी आगे कामयाबी मिल गई।